हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो डिस्कशन सेंटर। आई एम फरहान। आज हम पीसीआर के बारे में देखेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो इसमें हम इतनी चीज़ों के बारे में देखेंगे, व्हाट इज़ पीसीआर, हिस्ट्री, प्रिंसिपल, रिएक्शन मिक्सर, मतलब पीसीआर में ट्यूब में क्या क्या यूज़ होता है, ये प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंटेशन मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर एंड एप्लीकेशन। सो पीसीआर में सबसे पहले व्हाट इज़ पीसीआर। पीसीआर एक टेक्निक है जो मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी में डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होती है। इट्स अ इन विट्रो टेक्निक। पीसीआर को सबसे पहले डॉक्टर कैरी मुलिस ने 1983 में डेवलप किया था और इसके लिए उनको 1993 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर। पीसीआर डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करता है बाय द एंजाइमेटिक मेथड एंड क्लिनिकल कंडीशन। पीसीआर जो होता है वो तीन पार्ट में होता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचर होता है और उसका सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है। फिर एनीलिंग ऑफ प्राइमर, उसके ऊपर प्राइमर एनाइल होता है। और इलोंगेशन, इसमें अगर पॉलीमरेज बाइंड होता है और इसका 5.23 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। रिएक्शन मिक्सर, मतलब पीसीआर की जो ट्यूब होती है, रिएक्शन मिक्सर मतलब जो पीसीआर की जो ट्यूब होती है, ये उसमें हम क्या क्या डालते हैं पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम डीएनए टेम्पलेट डालते हैं जो नॉन होता है, या फिर प्राइमर्स डालते हैं जो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्राइमर्स जो शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जो डीएनए के आगे बाइंड होती है, फिर डीएनए पॉलीमरेज जो थर्मोस्टेबल होता है, और डीएनटीपीस, चार डीएनटीपीस आते हैं, डीएटी, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी, जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरी बाइंड करते हैं। और फिर बफर डालते हैं। ये जो पूरा रिएक्शन मिक्सर है उसको हम पीसीआर ट्यूब में डाल देते हैं और आगे पीसीआर को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इसमें डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होता है बाय द मेल्टिंग। इस ये जो मेल्टिंग होता है वो 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। उसके बाद इसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाने के बाद इसको एनीलिंग ऑफ प्राइमर होता है। एनीलिंग ऑफ प्राइमर में जो डीएनए में अंदर जो बाइंडिंग साइट होती है वहाँ पे प्राइमर आकर बाइंड करता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 50-70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है। ये जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है, जो डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। ये मेल्टिंग ये टेम्परेचर 5 डिग्री लेस होता है टू द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। जो प्राइमर की लेंथ होती है वो 15-25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है प्राइमर्स। और इसकी जो डीएनए की सीक्वेंस होती है, ये सीक्वेंस नॉन होती है क्योंकि हम ये जो प्राइमर होता है इसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद एनीलिंग ऑफ प्राइमर के बाद हम इलोंगेशन देखेंगे। इलोंगेशन में ये जो प्राइमर बाइंड हुआ उसके आगे टैक डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हम थर्मोस्टेबल यूज़ करते हैं। जो टैक डीएनए पॉलीमरेज है वो थर्मोस्टेबल होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होती है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इसलिए जो हमारे बॉडी में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं इसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहेंगे। सो यहाँ पे हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेंगे। और ये जो पॉलीमरेज बाइंड होगा उसके बाद 5.23 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी और ये जो डीएनए होगा वो बन जाएगा आगे। ये जो प्रोसीजर होती है वो 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और इस ये प्रोसीजर 50 सेकंड से 3 मिनट तक चलती है। ये जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है वो ज़्यादा तक हम ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ज़्यादा तक हम टैक डीएनए पॉलीमरेज ही यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी दूसरे यूज़ होते हैं जैसे कि पीएफयू, बीएसटी, पीएफयू एक्सेट्रा। पीसीआर का प्रोसीजर साइक्लिक होता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद एनीलिंग ऑफ प्राइमर होता है और उसके बाद इलोंगेशन होता है। ये जो पूरी साइकिल है वो अप्रोक्सीमेटली 37-40 टाइम्स रिपीट होती है और एक साइकिल में एक डीएनए में से दो डीएनए बनते हैं।
ये फ्रेंड्स 37 टू 40 टाइम्स ही होती है, क्योंकि इसके बाद जो टैक डीएनए पॉलीमरेज होता है वो एक्टिव नहीं रहता, उसके टेम्परेचर की वजह से वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता। सो जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो एक डीएनए में से ऐसे दो डीएनए बनते हैं, और फिर दो से चार ऐसे साइकिल होती है। इसके जो डीएनए की फाइनल कॉपी को कितने बनेंगे वो देखने के लिए एक फार्मूला आता है, एम एफ इज इक्वल टू एम आई इंटू टू 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 द पावर एन। इसमें जो एम एफ है, एम एफ वो फाइनल नंबर ऑफ डीएनए है, एम आई इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए, और एन नंबर ऑफ साइकल्स हैं। इसे इस फार्मूला से हम चेक कर सकते हैं कि लास्ट में कितने डीएनए बने। ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, इसको आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट सारे। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर के कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि नेस्टेड पीसीआर, एसिमेट्रिक पीसीआर, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर जो कोविड में यूज़ होता है उसको चेक करने के लिए, जो कोरोना वायरस है उसमें आरटीपीसीआर यूज़ होता है, हॉटस्टार पीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर, टचडाउन पीसीआर और इनवर्स पीसीआर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, ये बहुत सारे जगह पर पीसीआर का यूज़ है, जैसे कि जीन क्लोनिंग एंड मैनिपुलेशन, फिर जो हेरिडेटरी डिसीज होती है उसके डायग्नोसिस और हेरिडेटरी डिसीज है उसके डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में, पैथोलॉजी लैब्स में, फिर जो एंशियंट डीएनए होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए फॉरेंसिक टेस्टिंग में यूज़ होता है, और भी दूसरे कई सारे यूज़ है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो बायो डिस्कशन सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।